अब तो भाई और कम की पड़ रही है, अब तो 644 की है भाई। 5.5 लाख में मिल रही है ना जो कार, 2020 मॉडल मिल रहा है, और वो गाड़ी आपकी ना भाई 1-1 लाख किलोमीटर चली हुई है, तो ये लगा लो भाई क्या रीसेल है वैगनार की। स्टेयरिंग भी ना इसका मनमौज ही है, मतलब जब मन करेगा तब वापस आ जाएगा, जब मन करेगा भाई अटका रह जाएगा। ये सस्पेंशन सेटअप अच्छा नहीं है इसके अंदर ना, रियर वाले जो सस्पेंशन है इसके भाई वो थोड़े से ना लीक हो चुके हैं, थोड़े क्या बहुत ज्यादा ही लीक हो चुके हैं, तो वही आपके लगभग भाई 800 किलोमीटर के आसपास हमारी का टोटल चल जाएगी। हो गया रिसेंटर, तो भाई देख लो आज चलाने जा रहे हैं अपनी ही कार है, वैगनार LXi CNG, देख सकते हो आप लोग POV ड्राइव रिव्यू आज हमारा रहने वाला है। स्टार्ट करते हैं वीडियो को। इसका मैंने BS6 फेज 2 वाले मॉडल का भी ड्राइव रिव्यू डाला है, उसको भी आप चैनल के ऊपर जाके देख सकते हैं। आई होप जो हमारा व्यू है भाई प्रॉपर तरीके से ठीक आ रहा होगा, और थोड़ा सा भाई माइंड मत करना अगर इधर उधर हो गया हो। स्टार्ट कर लिया हमने कार, अभी पेट्रोल पे स्टार्ट हुई है, थोड़ी देर बाद ऑटोमेटिकली CNG पे कन्वर्ट हो जाएगी। ये मेरी ड्राइविंग पोजीशन है, कन्वर्ट हो चुकी है, इसके अंदर ना जो इस कार का लोअर लिप है वो थोड़ा सा ना लगता है, तो थोड़ा सा ध्यान से निकालना जब भी निकालो इसको। 25,000 यह कार हमारी एट प्रेजेंट चल चुकी है। स्टीयरिंग रिसेंटर की बात करें, दिक्कत है इसके अंदर, तो उसके ऊपर कंपनी को काम करना चाहिए। पीछे लॉर्ड एस्प्रेसो आ रही है भाई, गियर शिफ्टिंग की मैं बात करूं भाई स्मूथ है, और कंपनी वालों ने मेरे को बोला था, जो बेसिकली सर्विस सेंटर है, जब हमने कार परचेज करी थी ना तब इसके गियर जो है वो थोड़े से ना मेरे को हार्ड लग रहे थे, बट उन्होंने कहा था 25,000 के आसपास जब आपकी कार चल जाएगी ना तो आपके जो गियर शिफ्टिंग है वो काफी हद तक स्मूथ हो जाएगी, और जैसा मैंने भाई पर्सनली एक्सपीरियंस भी करा है। तो अभी बात करें, नॉर्मल तरीके से ड्राइव कर रहा हूँ, ना ज्यादा स्लो चला रहा माइलेज के पर्सपेक्टिव से, ना ज्यादा मैं फास्ट चला रहा हूँ, ठीक चला रहा हूँ, डिसेंट है पिकअप, मेरे को तो कोई दिक्कत लग नहीं रही है इसमें। और अभी हमारी कार CNG पे ही चल रही है, फैक्ट्री फिटेड CNG का ये ना बहुत बड़ा प्लस पॉइंट है कि आपकी कार के अंदर ना पेट्रोल और CNG के अंदर ना ऐसा अच्छा आपको लैग नहीं मिलेगा। लेफ्ट चल रहे हैं यार, राइट जाने में भैया थोड़ा ट्रैफिक वगैरह मिल सकता है ज़्यादा, तो लेफ्ट चलते हैं अपना। स्टीयरिंग भी ना इसका मनमौज ही है, मतलब जब मन करेगा तब वापस आ जाएगा, जब मन करेगा भाई अटका रह जाएगा, तो थोड़ा सा इसके अंदर भाई टॉर्क वगैरह की दिक्कत है, टॉर्क कंपनी ने इसके अंदर कम रखा है, तो रीसेंटर की जो इसकी एबिलिटी है वो थोड़ी सी कम है, बाकी ठीक है। मतलब जिस प्राइस पॉइंट पे हमने परचेज करी थी 6,80,000-6,90,000 के आसपास इसकी भाई जो बेस वेरिएंट है, मतलब इसके अंदर आपको कुछ भी नहीं था, खाली बेसिक कार थी, व्हील कवर वगैरह ना कोई मैट ना कोई सीट कवर वगैरह कुछ नहीं था, वो आपको 6,90 के आसपास पड़ रही थी उस टाइम पे 2022 में 25 अगस्त। BS6 फेज 1 कार है आपकी, बेसिकली डुअल जेट ही है ये वाली, बस जो आपका E20 पेट्रोल है वो इसके अंदर नहीं डलता है, तो BS6 फेज 1 वाला आपका पर्टिकुलर मॉडल है। उस समय हमें इतने की पड़ी थी भाई 680 के आसपास, 690 के आसपास। अब की बात करें, अब भी इतने की, अब तो भाई और कम की पड़ रही है, अब तो 644 की है भाई। मैं पता करके आया था एक दिन अपने दोस्त के साथ, क्योंकि वो थोड़ा डिसीजन ले रहा था भाई बनाने का, मतलब वैगनर परचेज करने का वो सोच रहा था, क्योंकि उसकी रनिंग भी भाई ठीक ठाक है। अब वो एक्चुअल में क्या है, हॉस्टल में नहीं रहेगा, वो अब अपना डेली अप डाउन करेगा, तो उसको क्या है कि भाई कार की नीड थी, एक CNG कार की नीड थी, फैक्ट्री फिटेड होनी चाहिए थी। पुरानी हमने देखी भाई, इसकी रीसेल वैल्यू भी पता चली हमको, रीसेल वैल्यू बहुत ज़बरदस्त है इस कार की, आपको लगभग भाई 5.5 लाख में मिल रही है ना जो कार, 2020 मॉडल मिल रहा है, और वो गाड़ी आपकी ना भाई 1-1 लाख किलोमीटर चली हुई है, तो ये लगा लो भाई क्या रीसेल है वैगनार की। वैगनार भाई हॉट सेलिंग प्रोडक्ट है यार एकदम, मेरे को जो लगता है। सस्पेंशंस भी ना इसके थोड़े से मेरे को ना मतलब बढ़िया नहीं लगे, सस्पेंशन सेटअप अच्छा नहीं है इसके अंदर ना, रियर वाले जो सस्पेंशन है इसके भाई वो थोड़े से ना लीक हो चुके हैं, थोड़े क्या बहुत ज्यादा ही लीक हो चुके हैं। संस्कारी सुमित जो भाई हमारे, उनके पास भी वैगनार थी, उन्होंने भी रखी थी भाई लगभग 8-9 महीने रखी थी या 1 साल रखी थी, उनकी कार में भी 20,000 चलने के बाद वो दिक्कत आ गई थी, बट उनके वारंटी में चेंज हो गए थे, उसी तरीके से मेरे भी चेंज हो जाएंगे, बस इसको ले जाने की देर है सर्विस सेंटर पे। और उसी के साथ मैं आपको बताता हूँ, इसकी जो सर्विस की वीडियो है वो भी आने वाली है, तो उसके लिए आप चैनल के साथ स्टे ट्यून्ड रहें। ब्रेकिंग की बात करें, 45-50 के आसपास थी गाड़ी, ब्रेक्स ठीक है, इम्प्रेसिव है,
क्योंकि कार में इतना वेट भी नहीं है, तो हाँ ठीक है वेट मतलब ठीक ठाक डिस्टेंस पे रुक जाती है, ना कोई ज्यादा लंबी लॉन्ग ब्रेकिंग नहीं होती इसके अंदर। और अगर आपको ओवरटेक वगैरह भी करना है तो वो भी आप इजीली कर सकते हो, अभी करके दिखाऊंगा इसको मैं आपको। फैक्ट्री बिल्ट सीएनजी में ना यही है, आपको रिस्पॉन्स मिलेगा अगर आप थ्रोटल को प्रेस करोगे, आफ्टर मार्केट में दिक्कत होती है इजीली। देख लो भाई अच्छी स्पीड में चल रही है, 80 चल रही है, और अभी तो भाई सीएनजी पे है, पेट्रोल पे करेंगे ना पेट्रोल पे और मजा आता है इसको चलाने में। चलो एक काम करते हैं स्लोप पे ले चलते हैं इसको, लेफ्ट चल रहे हैं। सीएनजी पे लेके चल रहा हूँ और काफी ना स्टीप चढ़ाई है आप देखोगे सामने। जिस लोगों ने भाई ये एरिया देखा है ना, ये आपका सिद्धदाता जो आश्रम है उस साइड का एरिया है, और ये स्टीप है बहुत, मतलब देखने में वीडियो में नहीं लगी कि बार बार कह रहा हूँ भाई बहुत स्टीप है। हम निकालेंगे भाई, थर्ड गियर में चल रही है गाड़ी, आराम से चलेगी यार कोई दिक्कत ही नहीं है। यहाँ पे हमारे जो सस्पेंशन है वो भी चेक हो जाएंगे, तो कोई दिक्कत है नहीं। फ्रंट का जो लेफ्ट वाला सस्पेंशन है ना, उसमें थोड़ी सी मेरे को लगता है नॉइस है, या फिर ड्राइवर साइड सीट से आती है, या फिर जो आपका ये पैसेंजर साइड वाला जो डोर है इसमें से आती है, बट हाँ थोड़ी सी नॉइस है फ्रंट लेफ्ट वाले एरिया से, उसको मैं दिखाऊंगा अभी सर्विस पे जाएगी ना कार, सारी चीजों को कराऊंगा अभी, परफेक्ट कराना है इसको ना, क्योंकि मेरी पर्सनल कार है भाई। मैं मेरे को छोटी मोटी भी दिक्कत होती है ना मैं करा लेता हूँ, अलाइनमेंट बैलेंसिंग नीड है भाई करा दो, दिक्कत नहीं होनी चाहिए कार के अंदर, टायर वगैरह के अंदर अगर प्रॉब्लम होगी, क्योंकि अगर आप अलाइनमेंट बैलेंसिंग का ध्यान नहीं रखते ना तो उसके अंदर क्या है आपका जो टायर है ना कार थोड़ा सा उसको मतलब गलत तरीके से वेयर एंड टियर करने लगती है उसके अंदर, तो वो थोड़ी सी आपको प्रॉब्लम आ जाएगी उसके अंदर। और टर्निंग रेडियस की अगर हम बात करें, टर्निंग रेडियस भी सही है इस गाड़ी का, मतलब आपको मोड़ने वगैरह में भी दिक्कत नहीं होगी, छोटे से एरिया के अंदर घूम जाती है यू टर्न ले लेती है, चाहूँ ना यहीं बड़े प्यार से घुमा लेते हैं इसको, बट हमें तो आगे जाना है, हाईवे वाला पोर्शन भी आपको दिखाना टेस्ट करके। तो राइट का हमने इंडिकेटर दिया है, देखो अब बात करते हैं इसकी माइलेज के बारे में। अगर आप इसको चलाओगे प्यार से, मतलब जैसे कि मैं चला रहा हूँ 40-45 पे गई, फोर्थ गियर लगा दिया, और मतलब फर्स्ट गियर में आपको 10 की स्पीड तक चलाना है, सेकंड गियर में आप 30 तक चलाएं, थर्ड गियर आप डाल दें भाई लगभग इसके अंदर 40 पे, और फोर्थ गियर आप लगा दें 50-55 पे। अब 60 पे आ गए फोर्थ गियर में, अब लगा दिया मैंने फिफ्थ गियर। इस तरीके से आप प्यार से चलाओगे, इसके अंदर आपके इंडिकेशन भी आती है, गियर शिफ्ट पोजीशन इंडिकेटर आपको इसके अंदर मिलेगा, तो अगर आप उसके थ्रू भी चलाएंगे, अगर आप अपने आप अंदाजा नहीं रखते, क्योंकि कुछ लोग क्या है आरपीएम मीटर के हेल्प से चलाते हैं, अगर आप इसकी इंडिकेशन के हेल्प से चलाएंगे आपको भाई मैं बता रहा हूँ, मैंने पर्सनली इस कार से लोकल के अंदर जो दिल्ली का ट्रैफिक होता है बहुत ज़बरदस्त वाला ट्रैफिक, मैंने प्रॉपर एक माइलेज टेस्ट करा हुआ है लोकल का, जो लोकल आपका लोकल एरिया है, प्लस उसके अंदर आपका 30% के आसपास 30-40% हाईवे था, बाकी मेन आपका लोकल एरिया था। इस कार ने मेरे को यार 38 की एवरेज दी है, यू वोंट बिलीव, इतनी एफिशिएंट कोई कार कैसे हो सकती है। और सोचो अगर मैं हाईवे पे चलाऊं विदाउट एसी था, वो भी अगर मैं हाईवे पे चलाऊं, तो भाई हाईवे पे तो भाई इस कार की जो माइलेज है 40 प्लस इजीली आएगी, और उसके ऊपर भी मैं वीडियो जल्द ही लाने वाला हूं। मैं लॉन्ग ट्रिप पे इस कार को लेके जा रहा हूं, लगभग हमारी कार जो भाई ट्रिप के अंदर 400 एक साइड से चलेगी, तो वही आपकी लगभग भाई 800 किलोमीटर्स के आसपास हमारी कार टोटल चल जाएगी। यहीं से कार को पैक कर लेते हैं, यू टर्न ले लेते हैं, और स्टेयरिंग रिटर्नेबिलिटी में आपको दिखा देता हूँ इसकी। हो गया रिसेंटर, स्लो स्पीड पे दिक्कत है, थोड़ा सा हाई स्पीड पे आपने यू टर्न ले लिया तो हो जाएगा रिसेंटर, ठीक है। अभी तक चला रहे हैं हम सीएनजी पे, अब इसको कर लेते हैं पेट्रोल पे, वन टैप में पेट्रोल पे कन्वर्ट हो गई है। अब देखो कॉर्नरिंग करूंगा, कर सकते हो कोई दिक्कत नहीं है यार, बट हाँ बॉडी रोल है उतने कॉन्फिडेंस से नहीं होगी। अगर आपको एक्सपीरियंस है, आपने सीख, जिस बंदे ने वैगन आर पे सीखी है ना, पहली बात तो वो ओजी है,
और दूसरी बात यह है, अगर आपने वैगनआर पे ही सीखी तो आपको पता है इस कार को आपको किस तरीके से कंट्रोल करना है। जिस बंदे ने मतलब ये कह लो स्विफ्ट चलाई है, ऑल्ट्रोस चलाई है, या फिर ये कह लो जो स्टेबल कार्स हैं वो चलाई हैं, जिसके अंदर आपका बॉडी रोल नहीं है, तो आपको दिक्कत होगी। स्कॉर्पियो वाले बंदे हैं भाई, उनको मज़ा आएगा बॉडी रोल में। जो वैगनआर वाले हैं, मतलब जो बेसिकली टॉलवर डिज़ाइन की कार चला रहे हैं ना, उनको अंदाज़ा है किस तरीके से चलाना है इसको। मतलब ये है कि मिनी में, छोटे में आपको स्कॉर्पियो वाली फील दे देगी ये गाड़ी। लेफ्ट चल रहे हैं, और इसमें ना देखो सीएनजी में तो आपके सिंगल सिंगल इंजेक्टर से पर सिलेंडर, लेकिन आपका जो पेट्रोल है, पेट्रोल के अंदर आपके ड्यूअल इंजेक्टर्स हैं पर सिलेंडर में। तो ड्यूअल जेट जो कंपनी आपको बताती है उसके अंदर यह है, आपका एक इंजेक्टर होता है भाई स्लो स्पीड्स वगैरह पे काम करने के लिए, वो आपका माइन्यूट स्प्रे करता है, और एक आपका है जो हाई स्पीड्स पे काम करता है, वो आपका उस तरीके से स्प्रे करता है। वो उनका जो भी ट्यूनिंग है वो मेरे को नहीं पता, बट हाँ ड्यूअल जेट का ये फायदा है, अगर आपकी कार हायर गियर में स्मॉल स्पीड पे है तो आप इजीली उसको पिक कर सकते हो विदाउट एनी वाइब्रेशंस। अब देखो 20 पे है, थर्ड डाल दी मैंने भाई, एक सेकंड जरा निकाल लें, अरे बहुत बड़ा गड्ढा है यहाँ पे, ठीक है सेकंड डाल दिया, थर्ड डाल दिया, 1% भी ना वाइब्रेशन नहीं है गाड़ी के अंदर। फोर्थ डाल दो, फोर्थ डाल दिया, इजीली पिक हो रही है। ये चीज़ ना करके देखना, सीएनजी में तो आपको लगेगा थोड़ी सी दिक्कत है, क्योंकि सीएनजी में मैंने बताया ड्यूअल इंजेक्टर आपके नहीं आते, पेट्रोल के अंदर आपके ड्यूअल इंजेक्टर्स आते हैं। तो उस चीज़ का बेनिफिट ना मेरे को यहाँ मिल रहा है, जो कि आपको मतलब ट्रैफिक वगैरह में चलाने में बहुत ज़्यादा फायदा देगा। रिफाइनमेंट इंक्रीज हुई है, छोटे से सेल्फ में गाड़ी स्टार्ट हो जाती है, एनवीएच लेवल्स हैं वो भी काफ़ी कंट्रोल में आए हैं, और आपकी जो BS6 फेज 2 वाली उसके अंदर भी और ज़्यादा काम करा है। ज़्यादा मेजर डिफरेंस नहीं है BS6 फेज 2 में, एक तो आपका स्टेयरिंग का डिफरेंस हो गया, ESP आ गया गाड़ी के अंदर, दूसरा आपका जो है कि गियर शिफ्टिंग है, गियर शिफ्टिंग आपकी और ज़्यादा स्मूथ हो गई है। इस कार के अंदर एक बेनिफिट हो रहा है, जैसे कि आपको पता है इसके जो डोर्स हैं ज़्यादा वाइड नहीं है, ज़्यादा फूले हुए नहीं है, तो उस चक्कर में क्या है आपको ना ज़्यादा मतलब गाड़ी को मैन्यूवर वगैरह करने में दिक्कत नहीं होती है, आप इजीली लेफ्ट राइट कर सकते हो और शार्प तरीके से, मतलब बम्पर टू बम्पर ट्रैफिक में हो तो आपको बिल्कुल भी दिक्कत नहीं होती, जजमेंट वगैरह करने में दिक्कत नहीं होती इस कार के अंदर। तो ये बहुत बड़ा प्लस पॉइंट है इस गाड़ी का। इसी प्राइस पॉइंट पे, जिस प्राइस पॉइंट पे मैंने परचेस करी है ना, उसी प्राइस पॉइंट पे आपको स्विफ्ट का LXi मिल जाएगा। अगर आप इसके VXi CNG वेरिएंट की तरफ जा रहे हैं, आपको स्विफ्ट का VXi पेट्रोल भी मिल जाएगा। बट इस गाड़ी की तरफ जाने का यही बात है कि मेरे को ना फ्यूल एफिशिएंसी जो मिल रही है ना इसकी, भाई वो और कार को भी डिलीवर ही नहीं कर सकती। सेम इंजन के साथ सिलेरियो आती है वो दे देगी, एस्प्रेसो है वो दे देगी, लेकिन भाई वैगनआर है ना, वैगनआर है, एस्प्रेसो सिलेरियो में स्पेस नहीं है भाई, ये चीज़ मैं आपको बता रहा हूँ, पर्सनली देख लेना, और मैंने तो अपने एक्सपीरियंस से देखा ही है, उन गाड़ियों में स्पेस नहीं है बिल्कुल भी। दोबारा कर लिया हमने CNG पे, वन टैप CNG और पेट्रोल के बीच में स्विच हो जाता है। सिंगल हॉर्न मिलेगा, ड्यूअल हॉर्न नहीं है, उसके ऊपर भी मैं थोड़ा सा सोच रहा हूँ, काम कर रहा हूँ कि इसके अंदर हॉर्न वगैरह हम चेंज करा लें, क्योंकि जो है सिंगल आपका सिंगल टोन वाला हॉर्न है ना, ये भाई कोई सुनता नहीं है, इससे ना थोड़ा सा ये कि ट्रैफिक वगैरह में कोई सुन नहीं रहा, या फिर आपका ज़्यादा शोर वाला एरिया है वहाँ पे कोई सुनता नहीं है इसको, तो वो थोड़ी सी बात है। इस कार का स्टेयरिंग है वो आपको फिक्स मिलेगा, एडजस्टमेंट वगैरह इसके अंदर आपको देखने को नहीं मिलता है, ये थोड़ी सी दिक्कत है। अब ब्रेकर्स हैं भाई दो, सस्पेंशन देखते हैं गाड़ी के, ठीक है। रियर में जैसे कि मैंने बताया इसके अंदर सस्पेंशन जो है आपके वो लीक हो चुके हैं, तो थोड़ा सा ना उनमें नॉइज बन रही है। अगर मैं रोड नॉइज़ की बात करूं, जिसके अंदर आपके JK के अल्टीमा नियो टायर्स आते हैं 13 इंचेस के, तो उनके अंदर मेरे को ना थोड़ी सी रोड नॉइज़ ज़्यादा लगती है, ये दिक्कत है उनमें। माइलेज पॉइंट ऑफ व्यू से भाई बहुत ज़बरदस्त तरीके से सेटिस्फाइड हूँ, स्पेस अच्छा है गाड़ी में, ऐसा अगर हम बात करें रेडलिंग नॉइज़ वगैरह भाई इतनी नहीं है। ठीक है गाड़ी, मतलब ये कह सकते हो कि आपका ना मतलब सिर्फ ऐसा नहीं कि काम चला हुआ गाड़ी, गाड़ी आपकी इस तरीके से है, अगर आपको कहीं फॉर एग्जांपल फैमिली को भी लेके जाना है ना, अब सामने देखो इसका कॉम्पिटिटर आ रहा है टियागो, और आएगी सिर्फ पेट्रोल है, ये CNG नहीं है आपकी, ये आपके पेट्रोल वाला वेरियंट है। ये कार भी मैंने कंसिडर करी थी जब मैं इसको परचेज करने गया था, हमारा बजट था भाई 7.5 का ऑन रोड, तो
कंसिडर करा था कि भाई टियागो का ना XT आ रहा था उस समय पे, ICNG वाला, वो परचेज कर लेते हैं। बट हाँ थोड़ा सा मेरे को उस समय दिक्कत ये लगी कि यार एक तो ICNG टेक्नोलॉजी उस समय नई नई आई थी, और हमें यार थोड़ा सा वैसी थोड़ा सा दिक्कत ये हुई थी कि हमने नियोस सेल करी थी तब, और इसी रीज़न से करी थी कि भाई कार में थोड़ी बहुत प्रॉब्लम आई गई थी। तो पापा कह रहे थे कि यार देखो टियागो है टाटा की, देखो कार वगैरह अच्छी है, प्रोडक्ट बहुत अच्छा है, बिल्ड क्वालिटी बहुत अच्छी, बहुत सुपर है। बट पापा कह रहे थे कि यार एक बार धोखा खा चुके हैं, वैगन आ रहे भाई, ट्रस्टेड गाड़ी है, काफ़ी ज़्यादा मतलब कोई दिक्कत आती नहीं है, मेजर ब्रेकडाउन वगैरह इन कार्स में कभी होता नहीं है, जो हमारा पास्ट एक्सपीरियंस है वो भी भाई बहुत अच्छा रहा था। तो इसलिए पापा ने कहा कि यार वैगन आर की तरफ चलते हैं, ज़्यादा कुछ सोचना नहीं है, गाड़ी अपना भाई हर तरीके से ठीक है, अपना A to B पॉइंट जाना है, फैमिली को लेके जाना है, तो बहुत मज़ा आएगा इस कार के अंदर। स्मूथ तरीके से भी चला रहा हूँ, रफ भी मैंने चलाई है गाड़ी बहुत भाई। इसके ना एक मैं आपको स्क्रीन पे आपको आ रहा होगा, इसका मैंने 0 to 100 करा था भाई, और प्रॉपर तरीके से करा था, लॉन्च करी थी गाड़ी मैंने, आप उसको देखना, सेकंड गियर में 85 चली गई थी। तो टॉल गियरिंग भी है भाई हर तरीके से, बस थोड़ा सा इंजन उस समय पे वोकल हो जाता है क्योंकि 3 सिलेंडर है, थोड़ा सा वोकल होता ही है। वैसे ब्रेकिंग टेस्ट करें एक बार, थोड़ा सा इसको खींचते हैं। 60 ठीक है, सही है, ओके। ब्रेकिंग भाई बहुत शॉर्ट डिस्टेंस था, CNG का एडिट वेट भी है, फिर भी भाई बहुत जबरदस्त तरीके से गाड़ी हमारी रुक गई थी, कोई दिक्कत मेरे को आई नहीं है सच, डेड एंड है। मजा तो है गाड़ी को चलाने में, मैं तो खैर 25,000 किलोमीटर पूरी मैंने ही चलाई है, किसी ने चलाई ही नहीं है गाड़ी। अगर आप इसको रफ भी चलाओगे ना, अभी मीडियम चलाइए और रफ चलाओगे ना, तो भी ये कार आपको भाई मरी से मरी 25 की एवरेज देगी यार, ये देख लो। तो एवरेज के मामले में तो यार इस गाड़ी से मतलब कोई बंदा दुखी हो ही नहीं सकता, पेट्रोल में भी ये गाड़ी आपको हाईवे पे 25 की एवरेज दे देगी अगर तरीके से चलाओगे। ये देखो भाई प्रॉपर धुत्ता है नशे में। एक तो जो इसकी अपराइट पोजीशन है ना, मेन पॉइंट ये है भाई, गाड़ी को चलाने में असली मजा इससे ही आता है आपको, कमांडिंग पोजीशन मिलेगी। जो इसका विंडशील्ड का व्यू है, व्यू आपको बहुत ज्यादा वाइड मिलने वाला है, तो उस तरीके से बता रहा हूँ भाई बहुत जबरदस्त है हर तरीके से आपको, मतलब अगर आप नए ड्राइवर भी हो ना तो भी आपको इसको सीखने में बिल्कुल भी दिक्कत नहीं होने वाली। हल्के से इशारे से चलती है, थ्रोटल रिस्पॉन्स इतना आपको देना नहीं पड़ता, CNG कार है बकायदा, कंपनी फिटेड का यही बेनिफिट है, CNG है, बोनट उठाना नहीं है आपको, पीछे से आप भरवा सकते हो उसको इजीली, तो बहुत सारे बेनिफिट्स हैं। और जहां मारुति का नाम जुड़ गया वहां पे तो भाई रिलायबिलिटी तो आप जबरदस्त मिलेगी भाई आपको, कोई दिक्कत ही नहीं है। यह तो अपनी कार जो है भाई BS6 Phase 1 है, जो Phase 2 वाला मॉडल है ना उसकी भी मैंने वीडियो डाली भाई, उसको भी आप जाके जरूर देखो, उस पर काफ़ी अच्छा खासा जो है प्यार आप लोगों ने दिखाया है, उस पर अच्छा खासा रिस्पॉन्स आया था। लेकिन उसको भी अगर आप देखो, अगर आपने नहीं देखी है, कंपैरिजन प्रॉपर आपको पता चल जाएगा, आप दोनों वीडियोज़ को देखना फिर आपको पता चलेगा। साथ के साथ भी मैं कंपैरिजन कर रहा हूँ सारी चीज़ों का, बट वीडियो अगर आप देखोगे ना आपको और ज़्यादा चीज़ें क्लियर होगी। अब तो खैर आपको भाई BS6 Phase 2 ही मिलने वाली है अगर आप नहीं लेंगे, पुरानी लेंगे तो हो सकता है आपको ड्यूल जेट मिले ही ना, ड्यूअल जेट वाली भाई किसी ने सेल आउट ही नहीं करी है, इससे पहले वाली आपको मिल जाएगी नॉर्मल जो आपकी सिंगल इंजेक्टर्स के साथ आती थी, उसमें क्या है थोड़ा सा ना वाइब्रेशंस वगैरह ज़्यादा है, थोड़े नहीं थोड़ा सा ज़्यादा ही है। अब देखो ये हॉर्न है भाई, 2 पैसे का हॉर्न नहीं है इसमें कोई, मतलब ये कह लो मैं शर्म नहीं कर रहा भाई, मैं साफ मुँह पे कह रहा हूँ भाई, मारुति ने पूरी भर के कॉस्ट कटिंग करी है, इसके अंदर हॉर्न आपको इतना बेकार दे रखा है आप, मतलब बाइक वाला ना बाइक का भी हॉर्न इससे तेज होता है, मेरे पास पल्सर है मेरे घर पे भाई, उसमें ड्यूअल हॉर्न आ रहे हैं यार, ये तो फिर भी भाई 7-7.5 लाख रुपए की गाड़ी है ना, इसके अंदर मैनुअल डेना टायर भी आता है, ये भी मैंने भाई इंस्टॉल कराया था सर्विस सेंटर से,
क्योंकि ये थोड़ी सी ना नेसेसिटी है। अगर आप भाई रात के समय में चल रहे हो, नाइट के अंदर अगर आपकी ड्राइविंग है, तो आपको ना अच्छा लाइटिंग सेटअप प्लस अच्छा आपको ये जो IRVM है ये चाहिए। ORVMs भी भाई बहुत बेकार हैं इसके, इनका व्यू भी कुछ खास नहीं है। साथ ही साथ इनके अंदर एक मेजर दिक्कत ये है कि इनको एडजस्टमेंट में बहुत दिक्कत होती है। जैसे कि आपको पता है बलिनो वगैरह के अंदर है, उसके अंदर स्टिक टाइप नहीं है, लेकिन वो बाहर से फिक्स्ड होते हैं, सिर्फ आपको जो उसका अंदर का मिरर है उसको एडजस्ट करना पड़ता है। लेकिन इसके अंदर क्या है, इसके अंदर आपको ना पूरा पीस एडजस्ट करना है, वो थोड़ा सा दिक्कत वाला प्रॉब्लम है। इधर से कर लेते हैं, लेफ्ट साइड की मैं बात करूँ, लेफ्ट साइड पर हाथ ही नहीं पहुँचता, मेरी हाइट 5'7" है, ये मेरे को प्रॉब्लम फेस होती है। तो VXI वाले जो इसके OEM ORVMs हैं वो मैंने परचेज कर रखे हैं, इंस्टॉल कराने का भाई मेरे को टाइम ही नहीं है, उनको मैं जल्द ही इंस्टॉल कराऊंगा। आपको वीडियो देखने को मिल जाएगी, जनवरी तक आपको देखने को मिल जाएगी उसकी वीडियो। उसके अंदर मैं इलेक्ट्रिकल कनेक्शंस नहीं करा रहा, बस वो आपके ये कह लो मैनुअल तरीके से ही एडजस्ट होंगे, बट हाँ VXI के वो इसके अंदर लग जाएंगे। जब कभी इसके अंदर चारों पावर विंडोज इंस्टॉल होंगी तभी उसका काम हम कराने वाले हैं। ऐसा भाई गाड़ी वैसे स्मूथ है यार, मतलब मुझे नहीं लगता यार 3 सिलेंडर इस सेगमेंट के अंदर कोई गाड़ी इतनी स्मूथ हो सकती है। और सुजुकी के जो इंजन है ना, जो ये पर्टिकुलर K-Series 1 लीटर का इंजन है इनका, इतना रिलायबल है ना, कभी आपने किसी वैगनार का मेजर क्या माइनर भी ब्रेकडाउन आपने नहीं देखा होगा। छोटा मोटा देखो होता रहता है, वो तो यार इनकी बिल्ड क्वालिटी ऐसी है इसलिए इनकी गाड़ियों का ब्रेकडाउन ज़्यादा हो जाता है। टाटा वगैरह वाले अब वहाँ यहाँ पे भाई जो टाटा की कार्स हैं वहाँ पे उनका भाई प्लस पॉइंट है कि उनकी कार है, उनकी कार पे बिल्ड क्वालिटी अच्छी है। मारुति वगैरह में लग जाती है, उनकी कार में स्क्रैच आता है, इनका भाई बम्पर उतर जाता है। बट यह है कि भाई अगर हम बात करें इंजन की रिलायबिलिटी की, उनकी गाड़ियाँ आधे से ज़्यादा दिन तो भाई सर्विस सेंटर खड़ी रहती हैं, जो फैक्ट है भाई वो बता रहा हूँ मैं आपको। इसी चक्कर में मैंने टियागो नहीं ली, वरना भाई मेरे सिर में दर्द थोड़े था मैं टियागो को छोड़ के भाई इसकी तरफ जाता। मैंने तो इसलिए ली भाई क्योंकि मेरा पास्ट एक्सपीरियंस बहुत अच्छा रहा है और अब भी अच्छा ही जा रहा है। छोटी मोटी दिक्कत है सस्पेंशन वाली जो मैंने बात आपको बताई है, वो ठीक हो जाएगी, वारंटी में वो लोग चेंज कर देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। वो तो मेरी दिक्कत है ना, मेरे पास टाइम नहीं है, अब टाइम मिल जाएगा मेरे को, अब सर्विस करानी है इसकी। इसकी आपकी जो है थर्ड ऑयल चेंज की सर्विस आ रही है तो उसको मैं करा के आऊँगा। मैं बेसिकली क्या है, एक तो CNG कार है ना, मैं इसकी सर्विस भाई प्रेफर करता हूँ 8,000 पे कराना, 10,000 कंपनी रिकमेंड करती है। इसके अंदर ऑयल भी आपका नॉर्मल वाला है, कोई सिंथेटिक वगैरह नहीं डला अब तक, तो इस बार सोच रहा हूँ फुली सिंथेटिक डलवाऊँ। और एक बहुत बड़ा चेंज मारुति कंपनी ने करा है कि जो आपका 0W20 ऑयल है ना उसको अब यूज़ करना बंद कर दिया है, जितना मेरे को सुनने में आया है। मेरे दोस्त ने मयंक ने इसकी सर्विस कराई थी ऑयल चेंज वाली BS6 फेज 2 वाली की, भाई 5W30 डल रहा है आपका ऑयल। एक्चुअल में क्या 0W20 ना बहुत ज़्यादा पतला है, तो उस चक्कर में वो ऑयल ना मतलब थोड़ी सी उसके अंदर इश्यूज हैं। कार जो है आपकी पर्टिकुलर उस ऑयल के साथ मेरे को लगता है ज़्यादा नॉइस करती है। और पर्सनली मैंने देखा है, मैंने एक कार मेरे दोस्त के पास भी है वैगनार, उसने 5W30 डलवाया ना भाई, गाड़ी बहुत साइलेंट हो गई और परफॉर्मेंस और ज़्यादा इंप्रूव होकर आ रही है। 5W30 यार बहुत ज़बरदस्त ऑयल है, 5W30 डलवा लो, 5W40 डलवा लो, चाहे आप नॉर्मली डलवाओ, पर भाई 5W30 का मुकाबला नहीं है, 0W20 ऑयल इतना अच्छा नहीं है। तो अब तो आएगी इसके ऑयल चेंज की सर्विस, वो नहीं भी खाएंगे ना, मैं तब भी इसके अंदर 530 डलवाने वाला हूँ, और वो भी डलवाऊंगा भाई इसके अंदर इस बार फुली सिंथेटिक। मेरे पास पंच का भी ऑप्शन था, जब मैं नियोस लेने गया था, वैगनर लेने गया था ना, पंच का भी ऑप्शन था। पंच तो खैर पेट्रोल में लेता, आफ्टर मार्केट लगवानी पड़ती, वही है भाई 3 सिलेंडर गाड़ी है ना, तो मैं इसलिए मैं थोड़ा डर रहा था कि मैं यार आफ्टर मार्केट नहीं लगवाऊंगा। नियोस थी उसके अंदर तो भाई 4 सिलेंडर इंजन था, तो इसलिए उसमें मैंने लगवा ली। बट कोई नहीं भाई, जो होता है अच्छे के लिए होता है। वैगनर अपनी भाई जिंदाबाद, मस्त गाड़ी है वैगनर। तो इसी के साथ आज के इस POV ड्राइव रिव्यू को हम एंड करते हैं। अगर आप लोगों को वीडियो भाई थोड़ी सी भी अच्छी लगी, इन्फॉर्मेटिव लगी, तो भाई लाइक करना वीडियो को, और इसी के साथ आप मेरे चैनल के साथ स्टे ट्यून्ड रहें। काफ़ी अच्छी अच्छी वीडियोस, इन्फॉर्मेटिव वीडियोस मैं आपके लिए लेके आता रहता हूँ। ड्राइव रिव्यूज़ हैं अलग अलग कार्स के, ओनरशिप रिव्यूज़ हैं, और साथ ही साथ आपके जो माइलेज टेस्ट हैं, ये सब वॉकराउंड्स वगैरह मैं लेके आता रहता हूँ। तो भाई आप चैनल के साथ स्टे ट्यून्ड रहें, और इसी के साथ वीडियो को हम एंड करते हैं। वीडियो अगर आप लोगों को अच्छी लगी तो भाई लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। गुड बाय। जय हिंद। एंडिंग करते करते ओवरटेक देख लो।